रजनीकांत भाई तुम भी बीच में आ गए यार। सर बता दें तो मुकेश नाम का दूसरे का मोदित का कहाँ है सब हॉस्पिटल गए कहाँ पर कौन से परिवार कौन से वाले परिवार भी कोई हम आओ परिवार वाले फोटो ले परिवार वाले काटो हेलो कहाँ से इधर हाँ इधर इधर बैठे इधर 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 हाँ हाँ आ रहे हैं हम आ रहे हैं हम मिला कुछ क्या नाम है सर पेट रन पेट रन हाँ भाई मिला कुछ क्या हुआ क्या है कुछ जानकारी क्या हुआ था कुछ पता ना हॉस्पिटल में है अभी यहाँ का कन्वेयर ने फोन किया मेरे पास जी जी क्या बताया मुकेश की और एक की गोली लगी है दो के कैसे अभी ये नहीं पता कैसे बोले कि बैंक में बैंक अभी खुली है तब पता चला है अच्छा अच्छा कितने लोगों लगी गोली कितने लोगों को एक मुझे दो की बताई एक मुकेश ने बोले की मालूम नहीं मुकेश है कहाँ ये मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ कहाँ है साहब जी यहाँ कहाँ लगे कैसे हॉस्पिटल में यही है बस हाँ उनके लड़के ने मुझे 9:30 बजे सुबह फोन किया था कि पापा वो मतलब किसी डेथ कर गए कैमरा पीछे पीएनबी कहीं है जॉब करते थे तो आपको जानकारी किसने दी है उनके लड़के ने जो मेरे भाई के लड़के ने पुलिस से अस्पताल की तरफ से आपको जानकारी मिली कुछ नहीं जानकारी कितनी उम्र थी उनकी 47 साल कहाँ के रहने वाले थे आरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता गांव का नाम है सिकटी सिकटी गांव पड़ेगा और हमारा जिला पड़ेगा आरा यहाँ पर वो कितने साल से काम कर रहे थे यहाँ लगभग 7 साल से ठीक चलो पीएनबी सेक्टर 1 में गार्ड रूम में मौजूद दो गार्डों के ऊपर डंडे से बदमाश आए हैं उनका जो संभवतः 17 से 20-22 इस एज ग्रुप के बीच के हैं और उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है कुछ हमारे जो सस्पेक्टेड हैं उनको चिन्हित किया गया है जल्दी इस घटना का कितने लोग थे डीवीआर भी लेके गए हैं लोग काफी जानकारियां मौजूद हैं इसके आधार पे भी फुटेज को देखा गया और आगे की सर लगभग कितने लोग रहे होंगे वो दो लोग थे जो अभी फिलहाल जानकारी हुई है कि दो लोग थे जिनके जैसा बताया कि एज ग्रुप 17 से 20 के बीच का एज ग्रुप उनका रहा है जिनके द्वारा घटना किया गया सर हत्या क्या थी वो जैसे अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है जो तथ्य सामने आएंगे इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके बारे में हत्या किस चीज से की गई है भैया आईडी धरिए पकड़ लो सर अगर घटना का टाइम बताया जाए तो कितना गया या नहीं 9 बजे लूट हो